हेलो नमस्कार दोस्तों, 6 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ कुछ मेन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो आज जो मेन से क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज जो क्वेश्चन है वो मेनली इन्वायरमेंट के बारे में है और उसमें करंट अफेयर के में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, तो वो मैं एक्चुअली वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर उसको अपलोड नहीं कर पाया हूँ, काफ़ी लेट हो गए आज हम। तो सबसे पहले हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं। आज क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो पहला जो आज आर्टिकल है वो मैंने लिया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो देखो आर्टिकल में मैंने कुछ बातें बताई गई हैं कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी है उसको गवर्नमेंट ने कहा कि ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब कि आप यूज़ कर सकते हो बट ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से इसको मेन सोर्स के रूप में यूज़ कर सको। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी है उसको गवर्नमेंट ने यह कहा कि अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो अवैध का मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो, बट वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज नहीं है। ये बात यहाँ पर गवर्नमेंट ने वर्ड फोकस किया, तो ये चीज़ थोड़ी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बिटकॉइन वगैरह किसी भी करेंसी है उस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट के क्या गाइडलाइंस वगैरह हैं। क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में क्यों एक्चुअली इसको ऑथोराइज नहीं माना जा रहा, उसके रीजन से एक तो ये हैं कि ना तो इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर करने के लिए कोई मॉनिटरी पॉलिसी है, ना ही इसके लिए कोई कंट्रोल है। क्योंकि देखो जब भी अगर कोई ना कोई करेंसी होती है उसमें कोई ना कोई कंट्रोल होने की जरूरत होती है। जैसे हमारे देश में RBI होती है, वो हमारे देश की रुपीज़ होती है, उसको कंट्रोल है मॉनिटर करती है कि जब भी महंगाई वगैरह होती है तो रुपये का इन्फ्लेशन है वो घटाती है बढ़ाती है, वो सारे काम करती है। बट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, केवल मार्केट के रूल पे चले डिमांड एंड सप्लाई से, जिससे क्या कि काफ़ी नुकसान भी हो सकता है इकोनॉमी को। इसी के साथ हमने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आता है, कभी तो क्रिप्टो करेंसी की रेट है वो $10,000 से ज़्यादा चली जाती है, कभी क्रिप्टो करेंसी की जो रेट है वो $3,000-$2,000 के आसपास आ जाती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो देखो जो मार्केट में जो करेंसी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि भाई एक तो उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक दिन तो उसकी रेट है बहुत ज़्यादा हो रही हो दूसरे दिन उसकी रेट बहुत कम हो रही हो, क्योंकि इससे क्या कि लोगों का भरोसा नहीं होता उस करेंसी पर। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी वो इंडिया में उसको प्रॉपर ढंग से वैलिड वो नहीं माना जा रहा है। दूसरी बात वेरिएशन में देखा, और अगला पॉइंट जो स्टेबिलिटी का है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो कुछ 2-3 बेसिक पॉइंट थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बाकी हमने जो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी है जो हमने डिस्कस की थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वो भी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी देखो इस आर्टिकल में कुछ था नहीं, बस 2 या 3 ही पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल में। अगला जो आर्टिकल था वो मैं लिखा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन HIV ड्रग्स के बारे में, तो FDC। तो इसमें देखो एक चीज़ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आती है, वो मेरे लिए प्रीलिम्स का पॉइंट आता है, वो आता है यहाँ पे एट्रिपालिया मेडिसिन। जो एट्रिपालिया जो मेडिसिन है यह है मेनली HIV के लिए यूज़ की जाती है, तो ये यूपीएससी पूछ सकती है। अब जो एट्रिपालिया जो मेडिसिन है इसमें क्या है कि 2 या 3 मेडिसिन हैं, इनको एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है कि ह्यूमन बॉडी में ड्रग रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बनता जा रहा है, काफ़ी लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो ऐसे यूज़ करते रहते हैं बिना डॉक्टर्स की परामर्श से। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ने भी जो इन्हीं एट्रिपालिया जो मेडिसिन से बनाई है ताकि HIV ड्रग्स को एक तरीके से मॉनिटर करें, या HIV जो भी ड्रग्स हैं ड्रग रेजिस्टेंस बन जाती हैं उनको कुछ हद तक कवर किया जा सके। तो इसमें एक ही पॉइंट था जो हमने यहाँ पे देख लिया। अब आगे चलते हैं मेन आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल है वो मेनली आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं अच्छे से। सुबह भी हमने इसको प्रीलिम्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखो आर्टिकल में सबसे पहले बात की गई है कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है, जबकि 2004-05 के टाइम तक भी है यूज है वो किया जा रहा था। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की लिमिट है वो रखी गई है 10% की 10% आपको टैक्स है वो पे करना होगा। तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आता है कि कैपिटल गेन होता क्या है। देखो आप इसको एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लो कि आपने 1,00,000 रुपये की कोई प्रॉपर्टी खरीदी आज, अगर आप उस प्रॉपर्टी को आज से 4 साल बाद बेच रहे हो तो अगर आप उसको मुनाफा हो रहा है 2,00,000 रुपये 5,00,000 रुपये आपको मुनाफा हुआ, तो उस कंडीशन में आपको जो मुनाफा हुआ है 4 या 5 लाख रुपए उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। क्योंकि ये क्या था, ये आपके कैपिटल से आपके कैपिटल मिली है, आपके पास पूंजी थी उस पूंजी से आपको और पूंजी मिल गई है, तो इसको कहते हैं कैपिटल गेन। और इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो होती है 10%। तो मेनली ऐसे जो कैपिटल से जो टैक्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ये प्रावधान होता है कि जैसे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कोई जैसे लैंड वगैरह है कोई और चीज़ें होती हैं उन सब के लिए अलग अलग होती है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लिमिट किसकी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हुआ या फिर शेयर मार्केट हुआ, इनके लिए शॉर्ट टर्म की रेंज होती है 1 साल कि आपने एक आज खरीदा और आज से 1 साल के अंदर अंदर आपने उस प्रोडक्ट को बेचा और आपको उससे अगर मुनाफा हो रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। और लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वो होता है कि अगर 1 साल से ज़्यादा अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेच रहे हो, जैसे कि आपने शेयर मार्केट में आज शेयर खरीदे कोई 1,00,000 रुपए के, वो शेयर है तुम आप है मतलब 1 साल बाद खरीद बेच रहे हो,
तो उससे आपको जो भी मुनाफा हो रहा है वो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें बताना चाहिए। बट यहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है तो प्रॉपर्टी के लिए शॉर्ट टर्म का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 साल, कि अगर आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो उसको 3 साल के अंदर अंदर आप बेच रहे हो तो इसका मतलब है कि उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी वगैरह है इनकी रेट वगैरह के बेसिस पे इनको इनको टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जैसे शेयर मार्केट होती है इनके लिए तो रखा गया कि भाई 1 साल के अंदर आप बेच रहे हो तो शॉर्ट पीरियड है, जबकि प्रॉपर्टी या नॉन फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए रखा गया कि 3 साल के अंदर अंदर आप बेच रहे हो तो भी शॉर्ट टर्म है, और 3 साल के बाद अगर उन्हें बेच रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म है। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म है वो होता है 3 साल से कम का समय, और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड होता है वो तो 1 साल से कम, बाकी लॉन्ग टर्म तो फिर अपने आप जो एक्स्ट्रा हो गया वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी बेसिक थी वो देखा। इसके साथ बजट में मेन पॉइंट था वो ये आया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो भाई जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा होगी कैपिटल गेन से उसी को देना होगा। मतलब जैसे आज किसी ने प्रोडक्ट खरीदा 1 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी और अगर उस ज़मीन को बेच रहा है ना अगली बार 2 लाख रुपए में या 2 लाख से कम में बेच रहा है तो 2 लाख से कम बेचने पे उसे क्या होगा, मुनाफा 1 लाख से कम होगा तो उसे टैक्स नहीं पे करना होगा। अगर उसका मुनाफा 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है तभी उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 10% लॉन्ग टर्म वाला। तो ये बेसिक पॉइंट आते हैं। अब चलते हैं इसके देखो फायदे क्या हैं। देखो फायदा तो इसका मेनली एक ही है कि सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी सारी स्कीम्स वगैरह चला रही है तो ओबियसली सरकार को कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए ताकि सरकार आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में खर्च कर सके। तो इससे सरकार जो सोशल लेवल पर स्कीम चलाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो बूस्ट करेगी तो काफ़ी सारे इससे फायदा होने वाला है। तो मेन तो फायदा मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा तो गवर्नमेंट उस पैसे का खर्च है वो यूज़ है वो कर सकेगी। बट इसके नुकसान भी देख लेते हैं। नुकसान देखो आर्टिकल ये कह रहा है कि एक से एक तो जो मिडिल क्लास है उसको नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास पर क्या है कि एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा टैक्स का तो उससे काफ़ी दिक्कत। दूसरा यह है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करिए एक शॉर्ट टर्म जो टैक्स है उसको शॉर्ट टर्म टैक्स को प्रमोट करिए कि भाई आप चीज़ें खरीदो और उनको एक जल्दी से जल्दी इनको बेचो, कि गवर्नमेंट ये तो कहना चाह रही है कि अगर भाई आपने 1 साल से ज़्यादा प्रोडक्ट को रखा फाइनेंशियल प्रोडक्ट को तो आपको उस पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट टर्म टैक्स पर ही फोकस करो। तो मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस चीज़ को फोकस कर रही है। तीसरा पॉइंट आता है कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की बात आती है। देखो जब गवर्नमेंट ने 2004-05 के टाइम पर जब ये कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बंद किया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बंद करने के बाद उस गवर्नमेंट एक टैक्स लेके आई थी वो था सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स। उसकी जो रेट थी इंटरेस्ट रेट वो थी 0.075%। और आज गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स है वो भी लाउ कर, सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स को भी लाउ कर रखा है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी अलाउ कर रखा है। तो भाई राइटर के अकॉर्डिंग ये कहना है कि भाई आप दोनों में से एक टैक्स तो रखो, ऐसा थोड़ी कि दोनों ही रखो, कि पहले तो आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जगह लेके आते आप सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स, और अब आपने सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स को भी नहीं हटाया और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी नहीं हटाया तो गलत बात है। अगली बात ये आती है कि देखो इससे फॉरन इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में फॉरन इन्वेस्टर्स वो कम आएंगे कि यार इंडिया में तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अंत में सुझाव में ये कहा जाता है कि सरकार को जो सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स है या तो इसे खत्म करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को, इन दोनों में से एक को ही रखना चाहिए। और अगली बात यह कि इन्फ्लेशन को भी कैपिटल गेन में शामिल करना चाहिए। इन्फ्लेशन को कैपिटल गेन टैक्स में शामिल करने का मतलब यह है कि देखो आज आपने अगर 1 लाख रुपये की चीज़ खरीदी और उसको आप 5 साल बाद बेच रहे हो तो उसमें आपको मुनाफा 1 लाख का हो या 1 लाख का मुनाफा हो रहा है तो आप 5 साल बाद उसकी महंगाई तो बढ़ जाती है ना ऑब्वियसली, तो 5 साल बाद उस 1 लाख रुपये की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी क्या? आज 1 लाख रुपये की वैल्यू और 5 साल बाद एक वैल्यू थोड़ी रहेगी, तो वैल्यू का फर्क पड़ेगा। तो उस चीज को भी सरकार को यहाँ पे फोकस है वो करना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली आया है हेल्थ केयर के बारे में, कि हमारे बजट में हेल्थ केयर में गवर्नमेंट ने क्या क्या इस बार प्रावधान रखे हैं उसके बारे में सुझाव वगैरह दिए गए हैं। देखो हेल्थ केयर का जो टॉपिक आता है वो हमारे लिए आता है GS2 में। बजट 2018-19 में क्या क्या रखे गए हैं तो आर्टिकल सबसे पहले ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ फोकस किया है और हेल्थ कवरेज को बढ़ाया है। 10 करोड़ लोगों को एक्चुअली टारगेट रखा कि 10 करोड़ लोगों को जो हेल्थ कवरेज है हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा कदम है। बाद में राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी नई नई घोषणाएं भी की हैं कि नए मेडिकल कॉलेज हैं वो बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। बट फिर राइटर कह रहे हैं कि भाई देखो एक मेडिकल कॉलेज बनाने से और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार को और भी सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपने हॉस्पिटल बना दिए कॉलेज खोल दी बट वहाँ पे टीचिंग का स्टाफ अच्छा नहीं है और हॉस्पिटल में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह वो प्रॉपर ढंग से नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? तो मतलब हमें और चीज़ों की तरफ भी फोकस करना होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ भी हमें फोकस करना होगा। और अभी इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर फोकस ना के बराबर किया, मतलब कुछ उनके लिए ऐसा कदम ही नहीं उठाया। अब राइटर कह रहे हैं कि देखो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो काफ़ी हेल्थ केयर सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए,
क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे अगर ट्रीटमेंट ढंग से हो जाता है तो फिर काफ़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा खर्चा है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर बीमारी को बड़ी बीमारी होने से पहले अगर रोक लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, तो उसे गवर्नमेंट का खर्चा बचता है और कम समय में और कम सस्ते दाम में ही काम निपट जाता है। तो इसलिए वो राइटर का यही फोकस, राइटर का इसी दिशा में पॉइंट है कि गवर्नमेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ फोकस करना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना बढ़े और उसे स्टार्टिंग में कंट्रोल किया जा सके और उस पैसे का यूज़ है वो ढंग से किया जा सके। इसके बाद में आती है नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम की। तो NHPS के बारे में गवर्नमेंट राइटर का यह कहना है कि देखो, गवर्नमेंट की स्कीम काफ़ी अच्छी है कि 10 करोड़ लोगों को एक्चुअली इसमें टारगेट रखा गया कि भाई आपको इस स्कीम का फ़ायदा वो मिलेगा, इसमें गवर्नमेंट उनके लिए प्रीमियम वगैरह वो भी प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इस बार की जो स्कीम आई है गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस की, इसमें इस जो प्रीमियम है वो खुद ही गवर्नमेंट दे रही है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं कि भाई जैसे हमने कि एक बार 8,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए तो हमें 5 लाख तक का कवरेज मिलता है। तो जो हम 8 या 10,000 रुपये का जो प्रीमियम देते हैं स्टार्टिंग में, वो प्रीमियम यहाँ पे गवर्नमेंट ही पे कर रही है। मतलब किसी को खुद को कस्टमर को पे नहीं करना है, जनता को कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, सरकार खुद ही प्रीमियम पे कर रही है और खुद ही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपका मौका दे रही है। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे इस चीज़ की राइटर फिर तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो, एक तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनकी मॉनिटरिंग काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बार ऐसे सामने आता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को पता चलता है कि अच्छा, इसकी तो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्या कहते हैं कि फालतू के टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, जिससे क्या कि उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है और सरकार को चपत लगती रहती है। तो एक तरीके जो एक तो फर्जीवाड़े के काम होते हैं, इन्हें रोकना होगा। इसके बाद में बात आती है कि स्टेट का कंट्रीब्यूशन, देखो स्टेट है उनका कंट्रीब्यूशन भी हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि स्टेट है वो धीरे धीरे इतना कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत बढ़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद क्या है कि ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना कंट्रीब्यूशन है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। और बाद में आती है बात नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, गवर्नमेंट पिछले साल जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, नहीं उसमें ये कहा था कि भाई 2025 तक हमारी GDP का 2.5% जो पैसा है वो हेल्थ केयर में फोकस, मतलब हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेंगे। बट इस बार के बजट को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट इस दिशा की तरफ अवेयर, इस दिशा को मतलब इस तरफ फोकस कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि देखो, कुछ अच्छा स्टेप उठाया नहीं गया इस बात को फोकस करते हुए कि भाई हाँ, GDP पे पैसा खर्च, GDP का 2.5% पैसा है वो हेल्थ पे खर्च होगा या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और जो GDP का जो टारगेट रखा गया कि भाई GDP का 2.5% पैसा है वो हेल्थ के ऊपर ही खर्च किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके आर्टिकल के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं कि हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट की क्या हालत है और उसके लिए क्या क्या प्रावधान करना चाहिए, और हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी यहाँ कुछ पॉइंट आए हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। अनुबंध का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लोगों ने जैसे आपस में एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हाँ भाई, आप मुझे सप्लाई करोगे और फिर मैं इस चीज़ को प्रॉपर्टी से यूज़ करूँगा, और जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक मुकर जाता है कि नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, और ना ही फिर उस चीज़ के लिए जो उल्लंघन होता है उसका फाइन वगैरह देने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो दूसरा पर्सन होता है ना, उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि बेचारे का बिजनेस पूरा ही चौपट हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी दो लोगों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जैसे आप ये मान लो कि किसी भी इंसान ने अगर जैसे दूध की फैक्ट्री है, दूध की डेयरी है, वो खोली है, अगर किसी ने कहा कि हाँ भाई, हम आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि हम आपको दूध है वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे डेली, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दूध प्रोवाइड नहीं करवा रहा है उस डेयरी पे, तो क्या होगा, जिस इंसान ने डेयरी खोली उसका तो लोग दूध, उसका तो पूरा बिजनेस वो चौपट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास दूध की सप्लाई नहीं आ रही है। तो उसके तो सारी उम्मीद है, उसका जो भी सारा प्लान था उसका लॉस में हो रहा है। अगर उसने दुकान वगैरह भी रेंट पे लिया तो उसका वो भी चीज़ में लॉस जा रही है। तो मतलब आर्टिकल इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि देखो, कई बार कहीं कॉन्ट्रैक्ट का अगर उल्लंघन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि काफ़ी लॉस हो जाता है एक पर्सन को। तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए गवर्नमेंट को भी समय फोकस करना होगा कि इन कमियों को दूर किया जा सके। हमारे देश में क्या है कि काफ़ी कमियाँ, एक तो होती है कोर्ट की बात आती है कि कोर्ट है वो काफ़ी डिले डिले चलते रहते हैं। मतलब कोर्ट इस चीज़ को ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं, केस है कोर्ट में जाता है फिर तारीख पे तारीख आती रहती है, कुछ होता नहीं है। तो एक तो गवर्नमेंट को ये चीज़ दूर करनी होगी। क्योंकि देखो, बात यहाँ पे फिर राइटर उठा रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। राइटर कह रहे हैं कि देखो, अच्छी बात है कि इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 100वीं रैंकिंग है, बहुत अच्छी बात है। बट इसमें 10 पैरामीटर लेके चले गए थे कि भाई, इन पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग वो काउंट की गई थी। बट इन 10 पैरामीटर में देखा जाए तो इंडिया की कुछ हालात बहुत ख़राब है। जैसे कि कोर्ट की बात आती है कि इंडिया में अगर कोई केस कोर्ट में जाता है, उस कोर्ट को क्या है, वो केस कोर्ट में क्या लटकते ही रहता है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारी रैंकिंग काफ़ी नीचे रहती है। तो मतलब मेनली राइटर के द्वारा कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि देखो, हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम क्यों होता है कई बार, इसी
के साथ कोर्ट का भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी मतलब कोर्ट का जो योगदान है वो भी काफ़ी कम है, तो उसके लिए राइटर को सुझाव दे रहे हैं। तो राइटर के द्वारा यहाँ पे 5 सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव ये दिया गया कि एक तो जो कॉमर्शियल कोर्ट्स होती हैं उनके जजों को अलग रखा जाए, क्योंकि अभी तक हमारे देश में ये प्रावधान है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेज होते हैं वही कॉमर्शियल कोर्ट में क्या काम करते हैं, तो उनका काम भी उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है, तो कॉमर्शियल केसेज को नहीं संभाल पाते हैं, तो इसलिए उनको अलग रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो कॉमर्शियल केसेस होते हैं उनके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस जो जज वगैरह वो होने चाहिए, क्योंकि देखो उनको काफ़ी नॉलेज होगा तभी वो अच्छे से केस को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज केस काफ़ी डिले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये तो बेसिक पॉइंट है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक भारी कमी है हर क्षेत्र में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, भाई कोर्ट वगैरह बनाने के लिए एटलीस्ट रूम वगैरह कुछ तो होने चाहिए ना, ताकि वहाँ पर कोर्ट वगैरह चल सके, तो ये भी काफ़ी अहम होता है। इसके बाद में आती है कि जो जज हैं उनको भी जजों की अपॉइंटमेंट वगैरह वो बात आती है कि भाई जज हैं उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और उनको अपॉइंटमेंट, क्योंकि हमारे देश में जजों की ट्रेनिंग है वो प्रॉपर ढंग से नहीं होती है, और ना ही उनके अपॉइंटमेंट को आप देख रहे हो कितना ढीला ढाला रवैया चल रहा है, कॉलेजियम में भी अभी तकरार है वो चल रही है, तो इस पर फोकस करना होगा। और बाद में बात यह आती है कि जो भी कॉमर्शियल कोर्ट होते हैं उनके जो जजेज होते हैं उनकी एक्चुअली डिटेल्स है वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड रहे, ताकि एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक लोगों को पता चले कि हाँ ये जज अच्छा है, इसने ढंग से काम करे, तो वहाँ पे क्या अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी। तो ये कुछ 5 सुझाव दिए गए राइटर के द्वारा जिन्हें हम कहीं यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।